Good morning students. Now today I am going to teach you chapter 11 theory of the plant. सबसे पहले हमने इसमें डिस्कस किया था व्हाट इज सप्लाई. सप्लाई क्या था? व्हेन अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल और वी कैन से विलिंग टू सेल. जब भी कोई प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी या अपने गुड्स को बेचने के लिए तैयार होता है एट एग्जिस्टिंग प्राइस, उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई. और वी कैन से सेल. ठीक है. अब एक हमने पढ़ा था इसमें स्टॉक एंड सप्लाई. स्टॉक और सप्लायर. सप्लायर जो है वो स्टॉक का पार्ट है. प्रोड्यूसर स्टॉक बनाता है, उसमें से सप्लायर होती रहती है. तो ये हमने पढ़ा सप्लायर. अब है लॉ ऑफ सप्लायर. तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्या है? लॉ ऑफ सप्लायर. लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? व्हेन द अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, व्हेन प्राइस increases, supply also increases and vice versa. Or we can say when price decreases, supply also decreases. ये हमने previous उसमें आपने जिस दिन पढ़ा था उसमें हमने discuss भी किया था कि supply का जो relation है वो क्या है? Price के साथ positive है. Price बढ़ेगा, supply बढ़ेगी. Price कम होगा, supply कम होगी. उसकी वजह क्या है? कोई भी प्रोड्यूसर है वो अपने गुड्स को जब सप्लाई कम होगी या हम कह सकते सॉरी प्राइस कम होगा या हम बोलते हैं रेट कम होगा तो वो सप्लाई रोक देगा. वो कब तक इंतजार करेगा? जब तक उसका प्राइस हाई हो जाए या बढ़ जाए. जब प्राइस बढ़ेगा तभी उसको मार्केट में बेचेगा. तो इसमें हमने जो प्राइस इस पर डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ सप्लाई में कि किस तरीके से हम इसको शेड्यूल को शो कर सकते हैं. जैसे ये प्राइस है और ये क्वांटिटी सप्लाई है. प्राइस मान लो 10 है, 20 है, 30 है. क्वांटिटी 100, 200, 300. जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रही है. अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी. प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि डिमांड का जो रिलेशन रहता है वो क्या रहता है? इनवर्स. डिमांड का रिलेशन इनवर्स रहता है. इनवर्स मीन्स नेगेटिव. अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है. ठीक है. और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है. जैसे हमने डिस्कस किया था अनियन का ही, प्याज का, इस समय जो रेट मार्केट में हाई हो जाता है तो जो 2 किलो 5 किलो खरीदेगा वो उसकी क्वांटिटी कम कर देता है. ठीक है. या एप्पल का है, जितनी एप्पल की इस समय है मान लो लोग क्वांटिटी में खरीद रहे होंगे, इस समय रेट कम है तो इस समय ज़्यादा खरीद रहे होंगे. जब ये 200 रुपये किलो हो जाएगा तो उतनी सब उसको जो है कम खरीदेंगे. तो ये जो रहता है सप्लाई और डिमांड का और सप्लाई और प्राइस का और डिमांड और प्राइस का दोनों का रिलेशन, डिमांड और प्राइस का रिलेशन क्या रहता है? नेगेटिव. प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी. प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी. बट सप्लाई का रिलेशन जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी. प्राइस कम होगा सप्लाई भी कम होगी. आगे चलते लॉ में एक्सेप्शन भी है कि किन चीज़ों की जो है सप्लाई नहीं बढ़ सकती. अब ये तो है नहीं कि सभी चीज़ों की सप्लाई बढ़ जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन मोस्टली नॉर्मल चीज़ों में क्या है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी. अगर इसको इसी को हम कर्व बनाए इसका तो कर्व कैसे बनेगा इसका? एक्स कर्व का जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारी क्वांटिटी आ जाएगी और यहाँ पे प्राइस. सपोज दैट 10, 20, 30, 100, 200, 300. मान लो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा. या इस तरीके से आप शो कर सकते हो 200 है तो 20 पे. ठीक है. इस तरीके से मीन्स ये क्या आपका बन गया सप्लाई का मीन्स पॉजिटिव आएगा और ये हमेशा किधर जाएगा? अपवार्ड. ठीक है. अपवार्ड जाएगा. अपवार्ड क्यों जाएगा? क्योंकि इसकी रिलेशन क्या है? पॉजिटिव. पॉजिटिव किस किस की रिलेशन है? प्राइस की एंड सप्लाई की. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी.
अब इसके कुछ assumptions हैं, assumptions क्या क्या हैं? अब इसमें जो law है, law क्या बोलता है? Other things remain constant. इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, other things remain constant. Other things remain constant. फिर इसमें हम start करते हैं, when price rises, supply also rises. And vice versa means इसका opposite means price कम होगा तो supply भी कम होगा. But इसमें जब हम बात करते हैं other things remains constant, other things remains constant में क्या meaning है कि जितनी भी हमारी हमने determinants किए या functions किए थे, फंक्शन कौन कौन से किए थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें मीन्स उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. किस किस में चेंज नहीं होगा? प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जो इनपुट्स हैं उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल वगैरह सेम रेट पे है, उस पर कोई भी सस्ता या महंगा नहीं हो रहा. दूसरा टेक्निकल ऑफ प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा. टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है कि अगर हमने कोई बड़ी यूनिट नहीं लगाई, क्योंकि बड़ी यूनिट लगेगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. तीसरा था गोल ऑफ द फर्म, कोई भी चेंज गोल ऑफ द फर्म में भी कोई भी चेंज नहीं हुआ. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स जो सब्स्टिट्यूट गुड्स वगैरह उसमें भी प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा. और नियर फ्यूचर में भी कोई भी पॉलिसी या टैक्सेशन वगैरह की कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई चेंजेस आए. और प्रोडक्शन कॉम्पिटिटिव में भी कोई भी चेंज होने वाला नहीं है. तो ये सारे क्या है, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है. एक्सेप्शंस क्या क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, जहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. एक्सेप्ट बोलते हैं, एक एक्सेप्ट होता है, एक एक्सपेक्ट होता है, और एक ये होता है आपका एक्सेप्शन. एक्सेप्ट मीन्स क्या है कि उस चीज को छोड़ दे, मीन्स इन चीजों पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. अब कहां पे नहीं होगा, एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्रीकल्चरल आउटपुट पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, एक तो ये किसके अकॉर्डिंग है. अब इसका ये तो है नहीं कि हमारे आगे हम प्रोडक्शन एकदम से बढ़ा दें या कम कर दें, क्योंकि मोस्टली ये सीजन के ऊपर या मौसम के हिसाब से चलता है, ठीक है, रेन के हिसाब से ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. तो इस वजह से इसमें ये नहीं चलता, क्योंकि अगर कोई भी नेचुरल कैलमिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, कोई बाढ़ आ जाती है या इस टाइप से, कोई भी प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है. तो इसमें जो है ये नहीं कि अब रेट ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई एकदम से हम बढ़ा देंगे, उसका पॉसिबिलिटी नहीं है. गुड्स ऑफ सोशल डिस्ट्रिक्शन, सोशल डिस्ट्रिक्शन के भी इसमें, सोशल डिस्ट्रिक्शन में जो सोशल एक दूसरे को सोशल डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसमें भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता. और पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं, जो डिस्ट्रॉय इजिली हो जाती है, जैसे हरी सब्जियां वगैरह हो गई. अब वो अगर मार्केट में चली गई, मंडी में चली गई, तो वो वापस उसको घर पर कोई नहीं ले जाएगा. अगर वो मटर है, सपोज दैट हरी सब्जी है, तो जो मंडी में एक बार चली गई तो उसको ये नहीं सोचेगा कि अब इसको घर ले जाकर रख लूँ, क्योंकि अगर वो 10 रुपये में बिक रहा है, 5 रुपये में बिक रहा है, चाहे वो नहीं बिक रहा तो उसको फेंक के आने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका कोई ये हल नहीं है कि उसको ला के स्टोर कर ले फिर उसको अगले दिन ले जाके बेच दे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है. जो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती चीज़ें उस वहाँ पे भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है. ये लॉ एप्लीकेबल वहीं पर है जो चीज़ ईजिली स्टोर हो सकती है, उसको हम रख सकते हैं, जब रेट हाई होगा तो उसको हम बेच सकते हैं. जैसे प्याज वगैरह, आलू वगैरह, इसको कुछ टाइम के लिए आप कोल्ड स्टोर वगैरह में इस टाइप में रख सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी हरी सब्जी हो गई, गोभी हो गई, आलू ये सॉरी मटर हो गया, इस टाइप की कोई भी चीज़ें हैं, तो इसको आप ये नहीं कि इसको आपने रख लिया और कुछ टाइम बाद इसका रेट बढ़ेगा, ठीक है, 1 महीने बाद तो इसको बेच देंगे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आएंगी. दूसरी चीज़ है गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, सोशल डिस्टिंक्शन जो एक से दूसरे को डिफरेंट शो करती है, डिफरेंट शो करते हैं. जैसे महंगी महंगी आपकी जो एक एंटिक पीस होते हैं, एंटिक पीस में जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, महंगी महंगी पेंटिंग्स हो गई, ठीक है, कईयों की पेंटिंग्स हैं करोड़ों में बिकती हैं, तो वो ये नहीं कि वो करोड़ों की बिक रही है तो
तो वो उसकी लाइन लग गई, सब लोग पेंटिंग बना बना के करोड़ों में बेच रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों पे अभी कोई भी नहीं है कि उसकी सप्लाई रेट ज़्यादा तो उसकी चीज़ की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। जो चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ठीक है, उनकी ऐसा नहीं कि वो इजीली सप्लाई, उसकी सप्लाई मोस्टली क्या है कि रेट ज़्यादा है तो उसकी सप्लाई उसी चीज़ की बढ़ेगी जो नॉर्मल गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं, इजीली वो बढ़ जाएंगे। लेकिन दो तीन चीज़ों पे, सोशल रिस्ट्रिक्शन पे, पेरिशेबल पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, इन पे सप्लाई जो है रेट के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ पाएगी। फिर है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। चेंज इन, एक तो हम करेंगे इसमें चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और एक है चेंज इन सप्लाई। इसको जो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग सप्लाई का, इसको जो बोलेंगे हम और क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट अलोंग सप्लाई का, इसको हम बोलेंगे मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, और इसको क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई, इसको आप बोल सकते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई का, अलोंग का सप्लाई का और शिफ्ट इन सप्लाई का। अब शिफ्ट और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है कि अगर इसमें जो आएगा आपका आ जाएगा एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, उसको एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, इसमें इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। एक्सटेंशन जो वर्ड है, एक्सटेंशन मीन्स भी बढ़ना है और इंक्रीज मीन्स भी बढ़ना है। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, यहाँ पे भी सप्लाई बढ़ रही है, यहाँ पे भी सप्लाई बढ़ रही है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में भी कम होनी सप्लाई और डिक्रीज में भी कम होना सप्लाई, मीन्स इसका और इसका मीनिंग क्या है, बढ़ना, और इसका मीनिंग क्या है, कम होना, बट दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्या है, जब प्राइस की और कमोडिटी की वजह से सप्लाई बढ़ रही है, मान लो चौक है, चौक की सप्लाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, अगर इसका प्राइस ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। मान लो यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है और क्वांटिटी सप्लाई है, प्राइस 10 है, 20 है, या 100 हुई या 200 हुई, 30 हुई, 300 हुई, मीन्स प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ रही है तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। इसका जो कौन बनेगा, इस तरीके से हम बना देंगे, जैसे अभी हमने बनाया था 100, 200, 300, क्वांटिटी, प्राइस 10, 20, 30, ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई PX, क्वांटिटी सप्लाई 30, 20, 10, 300,
200, 100। प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन। एक्स वाई प्राइस क्वांटिटी 100, 200, 300 10, 20, 30। और इसका भी इस तरीके से बनेगा, बट ये क्या है, इधर को शो हो रही है सप्लाई कम हो रही है और इसमें सप्लाई जो है वो बढ़ रही है। हैं दोनों सप्लाई पर, ये सप्लाई कम हो रही है, मीन्स 30 रुपए था तो 300 का, 20 हुआ तो 200 हो गया, 10 हुआ तो 100। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस कम होता चला गया सप्लाई कम होती चली गई, मीन्स पहले यहाँ से धीरे धीरे यहाँ आ गई। इसमें क्या है, यहाँ थी धीरे धीरे इधर चली गई, प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ गई। प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सटेंशन, प्राइस की वजह से सप्लाई कम होगी तो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इंक्रीज, इंक्रीज में क्या है, मतलब पी एक्स है और क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है। अब प्राइस यहाँ पे सेम है फिर भी सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस सेम है फिर भी सप्लाई बढ़ रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। किस वजह से बढ़ रही है, अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर हो सकता है कि फर्म्स और आ गई हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया हो सकता है कि जो रिलेटेड गुड्स हैं उनके प्राइस में कुछ चेंज आ गया हो, या हो सकता है कि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई हो जिससे कि प्रोडक्शन डबल हो गया हो, तो इन सारी चीज़ों की वजह से सप्लाई बढ़ गई तो उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। मीन्स इसमें प्राइस का रोल नहीं है, प्राइस वही है बट सप्लाई फिर भी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका जो कर्व बनेगा एक्स वाई क्वांटिटी आ गई, पांच दस ये आपका प्राइस, यहाँ पे 100, 200, 300 प्राइस इसमें 10 है। सप्लाई जो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, पहले 100 थी यहाँ पे, अब सप्लाई जो है वो 200 पे चली, मीन्स प्राइस सप्लाई जो है वो शिफ्ट हो रही है, प्राइस सेम है बट फिर भी सप्लाई जो है वो बढ़ रही है तो इंक्रीज इन सप्लाई। दूसरा क्या है, पीएक्स क्वांटिटी सप्लाई, मानो प्राइस 10 है, 10 है, ये क्या है 100 से कितने तक पहुंच गई, 50 पे। इसका जो कर्व बनेगा वो कैसे बनेगा, 50, 100, 150 क्वांटिटी प्राइस 5, 10 प्राइस 10 है इस तरीके से आ जाएगा, सप्लाई जो है पहले 100 थी अब कितनी हो गई 50, मीन्स बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है। इसमें प्राइस का कोई भी रोल नहीं रहता, हो सकता है कि लेबर महंगी हो गई हो, रॉ मटेरियल महंगा हो गया हो, या बिजली महंगी हो गई हो, या टैक्स बढ़ गया हो, ठीक है, इन वजह से अगर सप्लाई कम हो रही है तो वो क्या कहलाती है, डिक्रीज इन सप्लाई। और अगर बढ़ रही है, हो सकता है टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई हो इन चीज़ों की वजह से बढ़ रही है तो इंक्रीज इन सप्लाई। सो स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें और इसके नोट्स बना लें, इसके डायग्राम सारे के सारे कॉपी में आपको बनाने हैं, पेंसिल से डायग्राम्स जो है वो पेंसिल से इसको ड्रॉ कर लें। बाकी हम जो है इसमें नेक्स्ट जो कल इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।